ट्रेन के चपेट में आने से युवक की मौत, गांव में सौ आने पर छाया मातम। यह घटना गाजीपुर जिले के गोविंदपुर गांव की है। गोविंदपुर गांव निवासी संतोष यादव झारखंड प्रांत के जमशेदपुर में प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करते थे। एक दिन पूर्व रात्रि में भोजन आदि करके अपने मित्र के साथ टहलने के लिए रेलवे लाइन के तरफ जा रहे थे। उसी दौरान आ रही ट्रेन के झटके से ये पटरी के बगल में गिर गए। सर में गंभीर चोट लगी। चोट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु की सूचना गांव में आने पर मातम छाया हुआ है। वहां शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव को गोविंदपुर गांव लाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। संतोष की मृत्यु से पूरा गांव गमगीन है। गांव में मातम छाया हुआ है। शोक की लहर चारों तरफ दौड़ गई है। पुन्नू यादव के तीन पुत्रों में संतोष सबसे बड़े थे। इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। मां मंती देवी, पत्नी आशा देवी समेत परिवार के और रिश्तेदारों के रोने बिलखने से पूरा गांव का माहौल गमगीन बना हुआ है। संतोष के दो छोटे छोटे बच्चे, एक पुत्री और एक पुत्र है। अब ये दोनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। इनकी पत्नी सहित बच्चों को देखकर सभी लोग गमगीन हैं। घटना के बाद शव को गोविंदपुर जब गांव में लाया गया तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ जुटी रही। महिलाओं के रोने बिलखने से पूरे गांव का माहौल गमगीन बना हुआ है। Yellow.